हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मुनेश एंड इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट क्लास ऑफ द एग्जाम एनालिसिस ऑफ सीसेट पेपर टू, टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन अप टू 41 to 80। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द 41 क्वेश्चन ऑफ द सीसेट पेपर टू। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। What is the question? What is the greatest length x such that 3:1/2 meter and 8:3/4 meter are integral multiple of x? क्या कह रहा है? Greatest length find out करनी है आपने x, ठीक है? Such that 3:1/2 meter and 8:3/4 meter are integral multiple, means दोनों का वो multiple होनी चाहिए length, ये find out करना है। तो देखो पता चल रहा है greatest length, ठीक है, तो हमने क्या करना है, एच सी एफ फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जो एच सी एफ आप निकालोगे, तो एच सी एफ फ्रैक्शनल वैल्यू का एच सी एफ हम कैसे निकालते हैं, सभी को पता है कैसे निकालते हैं, कि देखो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी होगी आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 7/2, ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज, ये हो गया आपके पास में 35/4। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे देखो आपने इसका एच सी एफ फाइंड आउट करना है, तो एच सी एफ ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, एच सी एफ ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एल सी एम ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसका एच सी एफ फाइंड आउट करते हैं, तो एच सी एफ कितना होगा इसका, दिस विल बिकम 7/4, बिकॉज एच सी एफ ऑफ 7 and 35 इज इक्वल टू 7 एंड एल सी एम ऑफ 2 and 4 इज इक्वल टू 4, तो वैल्यू क्या आ गई है आपके पास में 1:3/4, दैट मीन्स 1:3/4 इज द करेक्ट आंसर। तो जिन जिन भी कैंडिडेट्स का आंसर 1:3/4 है उनका बिल्कुल सही है, जो भी एग्जाम के अंदर 1:3/4 करके आए उनका बिल्कुल सही है। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन में, दिस इज द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा, एक डाटा टेबल आपके पास में गिवन है, ईयर्स गिवन है 1911 to 1921, 21 to 31, 31 to 41, 41 to 51, 51 to 61, 61 to 71, 71 to 81, ये है। उसके बाद में आपके पास में बर्थ रेट गिवन है एंड डेथ रेट इज ऑल्सो गिवन। अब क्वेश्चन क्या है, फॉर विच पीरियड वॉज द नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम, नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम कौन से पीरियड के अंदर है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। बर्थ रेट के अंदर से अगर मैं डेथ रेट को माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, ग्रोथ रेट आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम माइनस कर रहे हैं, तो ये देखो 48.1 - 35.5, ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास में 12.6 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे जो वैल्यू है अगेन हमारी 10.1 है, ये 12 है, 10 है, ठीक है, इधर अगेन हमारे 10 की उसके अंदर आ रही है, 12 के आसपास वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आपके पास अगेन 12 के आसपास वैल्यू आ रही है, 41.7 - 22.8, तो ये अपने पास में 18 के आसपास की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे देखो 41.18, दैट मीन्स 22 के आसपास, दैट मीन्स कि इन सबसे ज़्यादा तो अभी यहीं पे ही आ रही है, 22 पॉइंट कुछ है वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 31.1 - 48.8, तो यहाँ पे भी 22, तो मतलब इन दोनों को हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, बाकियों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी तो हमारे पास में क्या है 19 तक की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 20 से अबव आई है, तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, दिस विल बिकम 22.2, ओके, और ये वैल्यू जो है आपकी, हाँ जी, ये यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है 22.3 आ रही है, क्लियर। तो ये ज्यादा है, सो आंसर क्या आ जाएगा 1971 to 1981 के जो टाइम पीरियड है उसकी नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम है, क्लियर, सो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, व्हाट इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। कह रहा है कि द रीअकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.27 27 27 इस तरह से है, इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। अब यहाँ पे देखिए 1.27 27 27 क्या है, रिएकरिंग फंक्शन आपके पास में, रिएकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये ऐसे होता है, ठीक है, और इसको हम आगे फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो ये तो आपके पास में कंप्लीट है
इंटीजर पार्ट को हमने अलग से लिख लिया, उसके बाद में ये हो गया 27। अब देखो जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, जितनी डिजिट्स आपकी रिपीट हो रही है उतने ही 99 से आपने इसको डिवाइड करना है, तो ये कितना आ गया 99। ओके, अब जो वैल्यू कैंसिल आउट होती है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 9 की टेबल से जा रहा है, कितना आ गया ये आपके पास 14/11। दैट मीन्स 14/11 बी इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर क्या आ गया आपके पास, बी। बी जिन जिन कैंडिडेट्स का बी आंसर है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देख के ना कुछ कंफ्यूजन में जल्दी में ऐसे भी करके आएंगे 127/9, है ना। तो जैसे ही 127/9 में आया तो सी आंसर भी कुछ कैंडिडेट्स करके आएंगे, उनका रॉन्ग हो गया, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट फोर डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6 लीव्स ए रिमाइंडर 2 इन ईच केस। हर एक केस के अंदर 2 रिमाइंडर बच रहा है, ये कह रहा है। पहले हम ये देखते हैं, इसको छोड़ दो आप, अभी इसको आप छोड़ दो, आपने सिर्फ यहां तक देखना। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, लीस्ट फोर डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6 लीव्स ए इज डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6, सिर्फ इतना करते हैं हम पहले, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपने कि इसका पहले एलसीएम फाइंड आउट करना, 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 एंड 6। देखिए बेटा क्या हो गया, ये हो गया 6, 5, 30, 2, तो ये हो गया हमारे पास में 60 इज द एलसीएम। ओके, अब हमने क्या करना है कि अगर 60 से जो नंबर डिविजिबल होगा, जो नंबर 60 से डिविजिबल होगा वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। तो अभी हमने ये देखना है कि भाई 60 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। अब उसने क्या कहा है, लिस्ट फोर डिजिट नंबर। तो लिस्ट फोर डिजिट नंबर हमारे पास क्या है, दिस इज द लिस्ट फोर डिजिट नंबर। आप इसको क्या करोगे, 60 से डिवाइड करिए, ठीक है। बिल्कुल ईजी मैथड से आपको मैं करवा रही, सो दैट कि कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। अब आप लोगों ने नंबर सिस्टम में किया होगा कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 60। तो क्या ऐड करेंगे इसमें से, 60 में से 40 माइनस किया, दिस इज 20। दैट मींस अगर मैं इसके अंदर 20 और ऐड कर दूं तो ये अपना नंबर डिविजिबल बाय 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगी वैल्यू हमारे पास में, 1020। ये जो नंबर है 1020, दिस इज डिविजिबल बाय 60। दैट मीन दिस इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। बट द क्वेश्चन इज व्हाट द रिमाइंडर 2 इन ईच केस। हमें दो रिमाइंडर भी चाहिए हर एक केस में। ये कंप्लीटली डिविजिबल नंबर है 0। अब इसके अंदर अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो हर बार ये 2 बचेगा हमारे पास में, हर बार 2 बचेगा, तो नंबर क्या आ गया, 1022। सो आंसर विल बी 1022 इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ जी, क्लियर है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझाया, सो दैट कि कहीं भी डाउट के चांस ना रहे कि हाँ जी हम क्या करके आए और यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। सो आंसर क्या आ जाएगा, 1022 इज द करेक्ट आंसर। डन। अब देखो यहाँ पे अपने पास में अगर हम इसके अंदर 1020 आ गया हमारे पास, अब हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल है 60 से। अब 2 क्यों ऐड किया, क्योंकि उसने कहा था कि लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस, इसलिए मैंने इसके अंदर 2 ऐड किया है। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा, 1022। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इन अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 40% मैन एंड 30% वुमेन आर मैरिड। अडल्ट पॉपुलेशन के अंदर से 40% मैन और 30% वुमेन्स मैरिड हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द मैरिड अडल्ट पॉपुलेशन इफ नो मैन मैरिज मोर देन 1 वुमेन एंड नो वुमेन मैरिज मोर देन 1 मैन। ये दिस इज योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज में वैल्यू गिवन है, तो हम ये कंसिडर करके चल लेते हैं कि भाई जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, दैट इज 100। सो दैट कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो हमने क्या ले लिया कि टोटल पॉपुलेशन कितनी कंसिडर कर ली हमने, टोटल अडल्ट पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास में, 100 है। अब उसने कहा कि 40% मैन। अब मैन और वुमेन मीन्स 100 के अंदर से जो मैन है, कह रहा है कि हम मान लेते कि मैन कितने हैं, एक्स है, सो वुमेन कितनी हो गई आपके पास में, 100 माइनस एक्स हो गई,
क्लियर है, वो मैन कितनी होगी 100 माइनस एक्स। अब इस मैन में से 40% मैन क्या है, मैरिड है, तो मैरिड मैन कितने आ गए आपके पास में, 40%, 40% मीन्स दिस वन, ठीक है। मैं शॉर्टकट से भी कराती बट मैं आपको डिटेल में करवा रही, इसके अंदर भी काफी बच्चों की कंफ्यूजन है, कोई सी करके आया कोई डी करके आया है, ठीक है ना। तो अब यहां से आपको पता चल जाएगा सी करेक्ट है या डी करेक्ट है। अभी देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास में मैरिड मैन इतने हो गए और मैरिड वोमेन कितनी हो जाएंगी, दिस इज, इसमें क्या कहा है कि 30% वुमेन आर मैरिड, दैट मींस 30% वुमेन, वुमेन कितनी है यहाँ पे हमारे पास में 100 माइनस एक्स है, क्लियर। अब एक मैन जो है, ठीक है, वो एक वुमेन के साथ मैरिड है, उसने कहा है, और साथ में उसने ये भी कहा है कि देयर आर नो विडोज एंड विडोवर्स, दैट मीन्स कि मैरिड मैन शुड बी इक्वल टू मैरिड वुमेन, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे हम इनको इक्वल कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास में 40/100 एक्स शुड बी इक्वल टू 30/100 100 माइनस एक्स, ये आ गई वैल्यू आपके पास। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 4x इज इक्वल टू 300 माइनस 3x, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 300/7, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 300/7 आ गई। अब इसके अंदर से हमने फाइंड आउट करना है मैरिड, मैरिड मैन कितने थे 40%, तो मैरिड मैन कितने हो गए हमारे पास में इसका 40%, एक्स का 40% किया था ना, तो ये कितना आ गया आपके पास में 120/7 आ गया, ठीक है। हाँ जी, देखो मैरिड मैन कितने आ गए आपके पास में 120/7 आ गया। अब मैरिड मैन 120/7 है तो उनकी उतनी ही वुमेन के साथ में मैरिज हुई है ना, तो मैरिज मैरिड वुमेन भी इतनी ही आएगी। सो मैरिड वुमेन वो भी 120/7 आ गई, टोटल मैरिड पर्सन कितने हो गए 120, दैट मींस कितना हो गया 240/7, तो ये कितना हो गया 3 7 21, ठीक है, 7 4 28, 2/7%। डायरेक्टली मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि हमारे पास में जो टोटल है, टोटल इज 100, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 140/7/100 × 100, क्योंकि 100 में से है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। सो द आंसर इज सी, ओके, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। जो जो भी कैंडिडेट सी आंसर करके आए हैं उनका बिल्कुल सही है, जिन जिन कैंडिडेट्स का भी सी आंसर है बिल्कुल सही है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 51 × 27 × 35 × 62 × 75 इज डिवाइडेड बाई 100। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई रिमाइंडर बताना, सीधी सी बात है 100 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। अब आप एक बात बताओ मुझे, मान लो मेरे पास में कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, ठीक है, अब इसको अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, लास्ट की दो डिजिट ही बचेंगी ना, क्या बचेगा, लास्ट की दो डिजिट बचेगी। दैट मीन्स कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द लास्ट टू डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के बाद में लास्ट की टू डिजिट्स क्या आएंगे, दिस इज योर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। जैसे कई बार यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास में ये इस तरह का आ गया, कैट में इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो कि टू डिजिट मेरे ख्याल में आप सबको फाइंड आउट करने आती होगी, कैसे फाइंड आउट करते हैं लास्ट टू डिजिट्स, कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो लास्ट टू डिजिट देखिए मैं आपको बता रही हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाँ जी बच्चे, लास्ट टू डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, वही मैंने अभी बताया कि हाँ जी 100 से डिवाइड इसने साफ साफ लिख ही दिया है और यहाँ पे हो गया। अब हम इसको जितना ज्यादा जिस भी नंबर से इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, जितना हम इसको कम कर रहे हैं उतने से ही उसको हम क्या करेंगे बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, बस सिर्फ इतना सा पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे ये देखो किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है आपका, क्लियर, यहाँ पे 3 से जा रहा है, उसके बाद में फिर 5 से जा रहा है, ओके, दैट मींस कि यहां पे हमने इसको कितना कम किया है,
100 से 2 आ गया, दैट मीन्स 50 से हमने इसको कैंसिल आउट किया है, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द 50 विद द रिमाइंडर. ओके, अब यहाँ से जो भी पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर आता है आपका, उसको आपने 50 से मल्टीप्लाई करना है. आप देखो, जब 2 है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, सिंपल है. अब इससे रिमाइंडर निकालना आपके लिए इजी हो गया, 1. ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया, 1. 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 ओके, तो यहाँ पे अपने पास में फिर कितना आ गया, ये 1. अब हमें क्या फाइंड आउट करना, मैंने अभी बताया कि जिससे हमने कैंसिल आउट किया ना, उसी से ही हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो इसको हमने कितना कैंसिल किया है, 50% किया, तो यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, 50% नहीं, सॉरी, बाय 50 किया है, तो हम इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर विल बी 50. क्लियर, डन. अब यहाँ पे अगर मैं इसको 100 रखती तो देखो 51 को पहले 27 से मल्टीप्लाई करते आप, उसमें आपका टाइम लग जाना था, उसका फिर आप रिमाइंडर रखते, फिर इधर से इसका रिमाइंडर रखते, तो उसके अंदर हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. इसलिए जितना कैंसिल आउट होता है ना, उतना आप इसको कैंसिल आउट कर लो. ठीक है, कैंसिल आउट हो रहा है, ऑब्वियसली डिवीजन हो रही है. अब जब इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, जितना इसको कर्टेल कर रहे हो आप, उतना ही बाद में क्या करोगे, उतने से मल्टीप्लाई कर दो. तो यहाँ पे 100 से हमारा इसको कैंसिल आउट करने के बाद में 2 आया है, दैट मीन्स कि हमने इसको 50 से किया है. ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 50 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो आंसर विल बी 50. ओके, तो लास्ट की 2 डिजिट के ऊपर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, फाइंड आउट द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, देन अगेन आंसर विल बी 50, डन. बट अभी भी 50 ही आंसर है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ 2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई एंड जेड इन रेशियो 1/2, 3/4, 5/6, इस रेशियो के अंदर डिवाइड किया है. ठीक है, देखो क्या है, एक्स वाई और जेड, इसकी रेशियो क्या गिवन है, 1/2, 3/4 एंड 5/6. अब जो रेशियो है आपके फ्रैक्शन में गिवन है, आप इसको कंप्लीट रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे. कैसे करते होते हैं, इसका एलसीएम ले लो बेटा, कितना आ गया, 12. 12 से ही अपने पास में कितना हो गया, 6. ठीक है, दिस इज 9 एंड दिस इज 10, डन. अब उसने क्या कहा, इज सम ऑफ 2500, 2500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब हमें ये नहीं बताना कि x को कितना मिला, y को कितना मिला, z को कितना मिला. उसने क्या कहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर. अब इसको दो तरह से कर सकते हो, हमें पता है कि भी मैक्सिमम कितना है, z को मिला है, और मिनिमम x को मिला है. तो पहले आप z का फाइंड आउट कर लो, फिर x का फाइंड आउट कर लो, उसको माइनस कर लो, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. यहाँ पे कितना है, दिस डिफरेंस इज 4, डिफरेंस कितना है, 4 के बराबर है, और टोटल अमाउंट कितनी है, 2500. दिस 2500, यहाँ पे देखिए 2500 जो है हमारा, वो हमारे किसके बराबर है, 25 के. देखो, वैसे जब रेशो आप करते हो तो इस तरह से ही करते हैं, तो 1 जो है वो किसके बराबर हो गया हमारे पास में, दिस 1 इज इक्वल टू हमारा हो गया 50 के बराबर हो गया. ठीक है, हाँ जी, 500 के बराबर हो गया, सॉरी. सॉरी, ये यहाँ पे अपने पास में बेटा 100 हो गया ना, तो 100 के इक्वल हो गया, डन. ये पॉइंट क्लियर हो गया, दोबारा बता देती हूँ एक बार. हाँ जी, रिपीट कर देते हैं दोबारा से. देखो, 6, 9 एंड 10 इज इक्वल टू 25, एंड दिस 25 एंड दिस 25 इज इक्वल टू व्हाट अमाउंट, 2500. ठीक है, इतने रुपए के बराबर है, सो 1 विल बी इक्वल टू 100 रुपीज. अब हमारे पास जो डिफरेंस है दैट इज 4, दैट मीन्स दिस 4 विल बी इक्वल टू 100 इंटू 4, दैट मीन्स कितना आ गया बच्चे, 400 आ गया, सो आंसर विल बी 400. क्लियर, हाँ जी, बताओ इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट हो. इवन ये हम आप लोगों को क्लास दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास है, फिर भी अगर कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ जी, इस क्वेश्चन में इस तरह की कोई कंफ्यूजन है. ओके, अब यहाँ पे देखिए, बिल्कुल क्लियर हो गया. कैसे करते होते हैं कि जो ये आगे वैल्यू दिस, ठीक है, डिवाइडेड बाई दिस टोटल मल्टीप्लाई बाई दिस, ऐसे भी आप कर सकते हो. देखो, 4 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, टोटल इज 25 इंटू 2500. कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड सही हैं.
ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों केसेस में 400 ही आंसर होगा। सो जिन जिन कैंडिडेट्स का 400 आंसर आया है, जो जो 400 करके आए एग्जाम के अंदर, उनका बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, दिस इज एन। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द सम ऑफ डिजिट नंबर 10^(n+1) इज 2। कह रहा है कि सम किसके लिए होगा। तो अब देखो, 10 अगर मैं लिखूं 10+1, ठीक है ना, यहां पे क्या कह रहा है, सम ऑफ डिजिट्स कहा है इसने, सम ऑफ डिजिट्स। अब यहां पे इसको अगर मैं ये लिखूं तो मेरे पास में कितना आ गया 1, और इसका जो डिजिट्स का अगर मैं सम करती हूं तो मेरे पास में कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। बट इसी तरह से अगर मैं यहां पे कर दूं 100, तो भी मेरे पास क्या आएगा ये, और इन सभी डिजिट्स का सम किसके बराबर आएगा, अगेन 2 आएगा। दैट मींस कि अगर मैं n की पावर कुछ भी कर दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एनी नंबर, तो हमारे पास में क्या आएगा, सम 2 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, दो ऑप्शन है बी और सी। बी के अंदर कह रहा है फॉर एनी होल नंबर, और सी के अंदर कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन ओनली। अब देखो, अगर मैं 10^0 करती हूँ तब भी तो बेटा वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी ना। कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर मेरे पास में 0 है, तो वो हमेशा क्या आंसर आएगा उसका, 1 आएगा, ठीक है। हाँ जी, 1 आएगा, एंड 1 और 1 कितना हो गया, 2 आएगा, क्लियर। सो आंसर क्या आएगा, फॉर एनी होल नंबर, तो आंसर क्या आ गया, बी इज द करेक्ट नंबर, मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 फॉर ऑल द नंबर्स, दिस इज 2, डन। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। दिस इज योर क्वेश्चन, क्या है, इन ए क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स ए बी एंड सी, इफ 1 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए, 3 ग्रुप है ए बी सी, एंड दिस इज द कंप्लीट क्लास, डन। अब ये क्या कह रहा है, फ्रॉम, इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए, वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी, ये ग्रुप सी के अंदर शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है, देन व्हाट हैपन टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब कह रहा है कि एवरेज वेट पे क्या इफेक्ट होगा। अब अगर क्वेश्चन होता कि हाँ जी एवरेज वेट ऑफ बी सेक्शन और सी सेक्शन और ए सेक्शन, तो इफेक्ट पड़ता। बट अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास में जो पूरी क्लास है, अब कोई बच्चा चाहे यहाँ से यहाँ चला जाए, चाहे यहाँ से यहाँ चला जाए, ठीक है, बेशक से हमें वेट नहीं पता, बट वेट तो उतना ही रहेगा ना, तो ओवरऑल जो है हमारे पास में इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो आंसर क्या हो गया, इट रिमेन्स द सेम, सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूरी क्लास, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, देन व्हाट हैपेंड टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, क्लास मेंशन है यहाँ पे, सो आंसर विल बी, इट रिमेन द सेम, सो क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 हो गया, दिस इज 50th क्वेश्चन, कहता हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म विद द डिनोमिनेशंस फिर रुपीज 50, 100, 200, 500 and 2000 टेकिंग एट लीस्ट 3 डिनोमिनेशंस एट ए टाइम। 3 डिनोमिनेशंस आपने साथ में लेके चलनी है, तो यहाँ पे देखो क्या है, 5 डिनोमिनेशंस है आपके पास में, कितनी है, 5 डिनोमिनेशन है, और कितनी साथ में आपने लेके चलनी है, एट लीस्ट 3, सो दिस विल बी द कॉम्बिनेशन, सो 5 × 4 × factorial 3 divided by factorial 3 factorial 2, this will be cancel out by this, so 10 will be the correct answer, bilkul easy question tha, simple, हाँ जी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ जी 5, 10, 200 है, तो जिन जिन कैंडिडेट्स का भी 10 आंसर है, उनका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 51 क्या है, ए पर्सन कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 डेज एंड अनदर पर्सन वाई कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्क इन 6 डेज, इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल 40% ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड। इजी क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, जो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है वो 20% वर्क
20% वर्क 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है, दैट मींस कि वो पूरा 100% वर्क कितनी देर में कंप्लीट करेगा? हाँ जी, कितनी देर में कंप्लीट करेगा? 40 डेज के अंदर करेगा। क्लियर है? देखो, जो फर्स्ट पर्सन है वो 20% वर्क को 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है? तो 100% वर्क कितने दिनों में करेगा? देखो, 20% इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/5 टाइम हो जाएगा ना, तो 8 × 5 = 40 कितना हो जाएगा, 40 डेज लगेंगे उसको। सेकंड देखिए, तो सेकंड पर्सन है भाई, वो क्या कह रहा है कि 25% ऑफ वर्क, सेम वर्क है, 25% ऑफ वर्क 6 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहा है। कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 6 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहा है। तो 100% वर्क कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? ये हो जाएगा 6 × 24, 24 डेज के अंदर कंप्लीट करेगा। अगर हम कहें कि बोथ पर्संस विल बी वर्किंग, दोनों के दोनों वर्किंग हैं, तो 100% वर्क कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? देखो, पहला 40 दिन में कर रहा है, दूसरा 24 दिन में कर रहा है, दोनों का करेंगे तो हमारे पास में टोटल वर्क आ गया 120, ये हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया 5। दैट मींस कि टोटल टाइम कितना लगेगा उनको? टोटल टाइम लगेगा 120/8, दैट मींस 15 डेज लगेंगे। 15 डेज कितना लगेगा? 100% वर्क को करने में लगेगा। बट उसने क्वेश्चन में कहा है कि 40% वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो 40% वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा? ये हो जाएगा 15 × 60, 6 डेज के अंदर। क्लियर? सो जिनका भी आंसर ए है, 6 बिल्कुल सही है। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा स्पीड एंड टाइम के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन था ये भी। कह रहा है कि कार है, एक कार ट्रेवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आर एंड फ्रॉम वाई टू एक्स एट एवरेज स्पीड ऑफ 2V किलोमीटर आर एंड देन अगेन एक्स टू वाई 3V किलोमीटर पर आर एंड अगेन वाई टू एक्स, मीन्स दिस इज द टोटल डिस्टेंस। एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है और फिर इधर आ रहा है, ठीक है? डिस्टेंस हर केसेस में सेम है, हम ये ले लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। पहले केस के अंदर जब वो इधर आया, कितनी है? 2 किलोमीटर पर आर। दूसरे के अंदर 2V किलोमीटर पर आर, दिस इज किलोमीटर पर आर, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना, किलोमीटर है ये, ठीक है? तीसरे में 3V किलोमीटर पर आर और फोर्थ के अंदर कितना है? 4V किलोमीटर पर आर। अब हमें पता है कि एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 4 बार गया ना, एक बार इधर गया, फिर वापस आया, फिर गया, फिर इधर आया, तो टोटल 4 आ गए आपके पास में, तो कितना हो गया? 4। अगर टोटल टाइम की बात करें तो फर्स्ट टाइम में उसको कितना टाइम लगा? 1/V टाइम लगा। दूसरी बारे में 1/2V टाइम लगा। तीसरी बारे में 1/3V टाइम लगा और चौथी बारे में 1/4V टाइम लगा उसको। क्लियर है? अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करोगे, एलसीएम आ गया आपके पास 12, ये हो गया 12V एलसीएम आया। ओके, सो 12 + 6 + 4 + 3 डन। अगर हम पूरे कंप्लीट को देखते हैं इसको सोल्व करने के बाद में, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? 25/12V, that means 4/25 × 12V means 48/25V। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1.9 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। और ये किसके बीच में लाई करता है? 1.9 किसके बीच में लाई करेगा? V और 2V के बीच में लाई करेगा। सो आंसर क्या आ जाएगा? B lies between V and 2V। ओके, तो जिन जिन कैंडिडेट्स का बी आंसर आया है उनका बिल्कुल सही है, 2.5 मार्क्स आपके पक्के, ठीक है? सो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट वाज द क्वेश्चन? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कुछ कैंडिडेट्स इसका बी आंसर करके आए, कुछ सी करके आए। अब देखते हैं कि आंसर आएगा क्या एग्जैक्टली। अब है क्या क्वेश्चन? कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज 2। अब कहते हैं एक सर्कल है और एक स्क्वायर, सर्कल है, ठीक है, और भी एक स्क्वायर है, तो कह रहे हैं कि मिनिमम इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होंगे, मिनिमम कितने होंगे। अब जरूरी तो नहीं है ना कि इस फॉर्म में हो, ऐसे भी तो हो सकता है, दिस इज सर्कल, ठीक है, दिस इज स्क्वायर।
अब बताओ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं? जीरो है, दैट मींस कि कितना हो गया? जीरो। ये क्या कह रहा है? टू। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग होगी फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी, ठीक है। इसके अलावा ऐसे भी तो हो सकता था, ये सर्कल है इसके अंदर स्क्वायर हो तब भी जीरो ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी की भी, ठीक है। इसके अंदर चला जाए तब भी जीरो ही होगा, डन। सो फर्स्ट आपकी रॉन्ग हो गई है। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकंड में क्या कह रहा है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज 8। सर्कल और स्क्वायर के जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितने होंगे? 8। 8 कब होंगे? जब वो हर पॉइंट पे अटैच हो रहा होगा। देखो कैसे, ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये आपके पास में ये आपका हो गया स्क्वायर। सर्कल है, ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर दोबारा से बना देते, ड्रॉ कर देते हैं, हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ जी, आप देखो, क्लियर। दिस इज सर्कल, थोड़ी सी शेप मुझसे अजीब सी बनी है, ठीक है ना, वैसे सर्कल है। तो यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 1 2, कितने हो गए? 8 हो गए। दैट मींस कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज 8। दिस इज करेक्ट। सो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 इज करेक्ट, डन। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was the next question? This is the next question. क्या कह रहा है? A man takes half time in rowing a certain distance downstream and upstream. Half time ले रहा है। अब पहले हमें upstream और downstream का पता होना चाहिए। Let us consider कि speed of boat है आपकी B और speed of current है आपकी C, ठीक है जी। Boat की जो speed है in still water, मैं ये मान ले रही हूँ कि B है, ठीक है, और current की जो speed है सी, क्लियर है। अब उसने कहा है कि जो टाइम है वो डाउनस्ट्रीम के अंदर हाफ लग रहा है, या कह रहा है कि जो अपस्ट्रीम है उसमें डबल लग रहा है, एक ही बात है। अब यहाँ पे देखो कि अगर टाइम डबल लग रहा है, दैट मींस कि स्पीड अपोजिट होती है। स्पीड और अपोजिट, एक स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब अपस्ट्रीम जा रहा है उस टाइम पे स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी? बी माइनस सी हो जाएगी। जब डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? बी प्लस सी हो जाएगी। तो ये हो गया बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी, कितना गिवन है? 2/1 गिवन है। इसको आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 2b - 2c, दैट मीन्स b is equal to कितना हो गया? 3c, ठीक है। सो बी बाई सी विल बी इक्वल टू 3/1, दैट मीन्स द रेशियो विल बी 3:1। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, 3:1 इज द करेक्ट आंसर, डन। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंपल क्वेश्चन था, बस सिर्फ ध्यान ही रखना है कि जब अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम है तो उस टाइम पे करंट की जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी बोट की स्पीड पे। सिंपल सा ही लगाओ ना, जब चढ़ाई पे हम अपनी साइकिल को चलाते हैं या बोट चल रही है हवा की अपोजिट साइड में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, माइनस कर देंगे। अगर करंट की साइड में चल रहा है तो उसकी स्पीड दोनों की एड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन दो स्क्वायर इज 63। हाँ जी, तो कौन कौन से नंबर है जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 63 होगा? तो यहाँ पे आप देखिए, आपके पास में दो पेयर बन रहे हैं, दो आंसर होगा आपका कौन कौन सा। अगर मैं 64 के अंदर से 1 माइनस करूँ कितना आ जाएगा? 63, दैट मीन्स 8² - 1² डन। एक तो पेयर बन गया किसका? 8 और 1 का। दूसरा 144 के अंदर से अगर मैं 81 माइनस करती हूँ, अगेन आई गेट 63, दैट मीन्स पेयर हमारे पास में क्या हो गया? 12 और 9 का पेयर, डन। तो कितने पेयर बनेंगे? दो पेयर बनेंगे। अगर इसको आपको, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, अगर आपको सॉल्व करके करना तो आप ये ले सकते हैं कि हमारे पास में दो नेचुरल नंबर है, एक ए एक बी, तो a² - b² कितना आ गया आपके पास में? कह रहा है कि 63 है। फॉर्मूला होता है a² - b² होता है a - b a + b, तो यहाँ पे हो गया।
अब जब इसका पेयर बनाओगे तो क्या बनेगा, एक 9 और 7 का बनेगा, ठीक है, 9 सात 63 और एक 21 दिया 63, ये वैल्यू पुट करोगे a plus b is equal to 9, a minus b is equal to 7. इसको सॉल्व करोगे क्या वैल्यू आएगी आपकी, a b की ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. 20 a plus b is equal to 21, a minus b is equal to 3, तो आपकी ये वाली आ जाएगी. क्लियर है? तो कितने पेयर्स होंगे, दो पेयर होंगे. डन. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू इफ 5 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगर हम 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर ऐड करते हैं तो मिनिमम किस पे इफेक्ट पड़ेगा, मिनिमम किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारा बड़ा नंबर होएगा, ठीक है, तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, 5/6 के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है. देखते हैं कैसे, डिटेल में मैं बता देती हूँ आपको एक बार. देखो बेटा, एक तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखो, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जब आप वैल्यूज के अंदर सेम नंबर ऐड करते हो, जब भी सेम नंबर ऐड करते हो, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर था और जो हमारा न्यू नंबर बन रहा है, तो उसका न्यूमरेटर सेम ही रहेगा. कितना रहेगा, जो वैल्यू आपने ऐड करी है, जैसे हमने यहाँ पे 5 ऐड करा है, सिर्फ जो इफेक्ट पड़ेगा वो डिनोमिनेटर पे पड़ेगा. देखो कैसे, यहाँ पे ये नंबर था, अब उसने कहा कि दोनों में 5 ऐड कर दो, कितना आ गया, 7/8 आ गया. अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है, इसने कहा कि मिनिमम कितना चेंज होगा, विल बी द मिनिमम चेंज, चेंज मतलब दोनों का डिफरेंस. सो इसको हम डिफरेंस करेंगे, देखो कितना हो गया, 7 3 21, 4 2 16, 5/8 24. यही मैंने बताया था कि न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, क्योंकि 5 था तो 5 ही रहेगा, ठीक है. दूसरा देखते हैं हम, दूसरा नंबर था 3/4, इसमें भी 5 ऐड किया, इसमें भी 5 ऐड किया, कितना आ गया, 8/9, अगेन यू विल माइनस 3/4, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 8 4 32, 32 से 27 गए 5 और 9 4 36, ठीक है. तीसरा नंबर आपके पास में 4/5 ऐड किया हमने दोनों में, हमारे पास वैल्यू आ गई 9/10. अब इसके अंदर से हमने अगेन इस नंबर को 5 माइनस किया, ये हो गया 9 5 45, 45 में से 40 गए, अगेन 5 बच गया आपका, तो 5/50. एंड द फोर्थ नंबर इज 5/6, इसमें भी हमने 5 ऐड करना है. जब आप इसके अंदर 5 ऐड करोगे देन 10/11 माइनस 5/6, ये हो गया 60, 60 माइनस 55, अगेन 5/66. और अब हमने देखना है कि इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है. तो अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, तो जिस फ्रैक्शनल वैल्यू का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, ठीक है. तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज द स्मॉलेस्ट वन. सो आंसर क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा. क्लियर है? हाँ जी. यहाँ पे भी कुछ कैंडिडेट्स का आई थिंक डाउट आया होगा. तो यहाँ अब इसको करने के बाद में कोई वो नहीं रह जाता, क्योंकि आंसर की इसके अंदर ना आप देखोगे ना, तो अलग अलग साइट्स के ऊपर आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे. बट जब आपको सॉल्यूशन मिल गया ना क्वेश्चन का, तो फिर हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ जी आंसर क्या आएगा. सॉल्यूशन जरूरी है, तो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, ए डिजिट n इज ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है. एक डिविजिबल बाय 3 है बट नॉट डिविजिबल बाय 6, दैट मींस ये हो गया आपके पास में, हमारे पास में अगर 6 के मल्टीपल देखेंगे तो क्या आ गया, 3 के मल्टीपल देखो, 3 से बड़ा देखना है, 6 9 15, ठीक है, इसी तरह से चलेगा. अब उसने क्या कहा है कि नंबर इज ग्रेटर देन n डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6, ये उठा लेते हैं 9, ठीक है. अब उसने क्या कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4. अब उसने सभी नंबर के लिए नहीं कहा, कहता है कि इसमें से कौन सा डिविजिबल हो सकता है 4 से. अब देखो 9 लिया मैंने, 9 2 18 18 4 से डिविजिबल नहीं है, 9 3 27 27 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 9 2 18 और 4 22 22 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 9 3 27 27 और 1 28 28 आ गया, और दिस इज डिविजिबल बाई 4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, 3n+1. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ वाटर वेट्स 1 केजी, देन हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर वेट 0.1 ग्राम. सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जिनको ये पता है कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मैन की क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, तो उसके अंदर उसका सॉल्व हो गया, ठीक है.
तो सभी को पता है क्या होता है कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू द 1 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भी 1 लीटर है दैट इज इक्वल टू 1 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, हाँ जी, इतना आ गया। अब 1 लीटर उसने कहा कि 1 केजी के बराबर, और 1 केजी इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। दैट मींस कि 1000 ग्राम विल बी इक्वल टू 1 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, अब इसके अंदर से 3 जीरो जो है वो इसके साथ में कैंसिल आउट हो गई। 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 1000 क्यूबिक मिलीमीटर एंड 0.1 ग्राम विल बी इक्वल टू, 1 जीरो और कैंसिल हो जाएगी, कितना रह गया 100 क्यूबिक मिलीमीटर। सो आंसर विल बी सी, 100 क्यूबिक मिलीमीटर। डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ए वेसल फुल ऑफ वाटर वेट्स 40 केजी। इफ इट इज 1/3 फिल, इट्स वेट्स बिकम 20 केजी। व्हाट इज द वेट ऑफ एम्प्टी वेसल। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि जब अपना वेसल खाली हो रहा है तो उस केस के अंदर भी वेसल तो उतना ही है, वेसल का वेट तो उतना ही रहेगा। सिर्फ जो इफेक्ट पड़ रहा है वो किसके वेट पे पड़ रहा है, वाटर के वेट पे पड़ रहा है। ओके, देयर आर टू क्वांटिटीज, वन इज वेसल एंड सेकंड वन इज वाटर। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक वेसल है और वाटर है, दोनों का वेट कितना है 40 केजी है। अब वेसल तो वही रहेगा, वाटर 1/3 हो गया और अभी वेट कितना है, इसने कहा 20 केजी है। इसको आप सॉल्व करोगे, दिस विल बिकम 3V प्लस W इज इक्वल टू 60, दिस इज V प्लस W इज इक्वल टू 40, माइनस करेंगे ये हो गया हमारे पास 2V इज इक्वल टू 20, ये कैंसिल आउट हो गया, V की वैल्यू आ गई 10 केजी। दैट मीन्स द वेट ऑफ द वेसल विल बी 10 केजी। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल। सो आंसर आ जाएगा A, 10 केजी। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। कह रहा है ए फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ ए ड्राइड वेल 4.5 मीटर डीप विद स्लिपरी वॉल्स। ओके, every time the frog jumps 30 cm and then slide down 15 cm. That means कि ये well है। हाँ जी, देखिए ये well है, ये आपका 4.5 meter deep है, that means centimeter में अगर हम इसको convert करते, that means this is 450 cm deep. अब जो फ्रॉग है वो फर्स्ट जंप के अंदर 30 सेंटीमीटर जंप करके ऊपर जाता है, कितना 30 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में 15 वापिस आ जाता है, दैट मींस कि एक जंप के अंदर उसको फाइनली कितना सेंटीमीटर चढ़ पाया है, वो 15 सेंटीमीटर जंप कर पाया है। अब इसको इससे बाहर निकलना है, बाहर निकलना है तो अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट है ध्यान रखने वाला वो ये है, जब वो यहाँ पे पहुंच गया, कहाँ पे पहुंच गया, जब उसके अंदर ये मान लीजिए वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया, ये वैल्यू है हमारे पास में 420 सेंटीमीटर। एक बार मैं कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन रहा है इसके अंदर, ठीक है, बी और सी दोनों के अंदर कंफ्यूजन था, तो इसको अभी हम सोल्व करेंगे तो अभी कंफ्यूजन आप लोगों का खत्म हो जाना है। देखो क्या है कि हम ये ले लेते 4 सेंटीमीटर तक अगर वो पहुंच गया है, 4 सेंटीमीटर क्यों लिया वो मैं बताती हूँ, पहले देखो 4 सेंटीमीटर तक वो पहुंच गया। अब 4 सेंटीमीटर के बाद में उसने 30 सेंटीमीटर की जंप लगाई, जब उसने 30 सेंटीमीटर की जंप लगाई तो वो सीधा बाहर आ गया, बाहर आ गया, फिर उसको स्लिप करने की जरूरत पड़ी, नहीं स्लिप करेगा ना। दैट मीन्स कि जो लास्ट जंप है जिसके अंदर वो बाहर आएगा, उसकी जो विड्थ है तो वो कितनी है, जंप उसकी 30 सेंटीमीटर की ही कंसिडर होगी, जो लास्ट जंप है वो तो 30 सेंटीमीटर की ही हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो वो बाहर आ गया ना, दोबारा स्लिप क्यों करके जाना उसको 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और जो बाकी की है, जो इसके अलावा है बाकी रेस्ट ऑफ द जंप्स, तो जो रेस्ट ऑफ द जंप्स है वो कितने की है, 30 चढ़ा 15 वापिस आ गया, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर की है। डन। तो मैंने इसलिए क्या किया कि जो लास्ट वाले जंप है ना उसको एक साइड से पहले मैंने हटा दिया, 450 में से 30 को माइनस किया, तब आया 420, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया।
और 420 तक अब उसने किस स्पीड से जंप करना है, 15 सेंटीमीटर की जंप के अकॉर्डिंग उसने जंप करना है, वहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पे 420 सेंटीमीटर को जब मैं 15 से करूंगी तो मेरे पास में वैल्यू क्या होगी, 28। दैट मींस कि द फ्रॉग रिक्वायर्स 28 जंप टू रीच 420 सेंटीमीटर, 28 जंप उसके यहाँ पे लग गए और एक उसके पास में जो 30 वाली जंप थी, एक वो वाली जंप होगी, तो उसको बाहर निकालने के लिए टोटल कितनी जंप चाहिए, 29। सो आंसर विल बी 29 नॉट 30। तो जिनका 30 है उनका रॉन्ग है, 29 वाला बिल्कुल सही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 से 66 आपका इंग्लिश में से था, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, जो कि इंग्लिश के सर विजय सर कंप्लीट करवाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, 67 क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। देखो 65th क्वेश्चन जो था अपने पास में, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, ठीक है ना, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग 60th क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिस्काउंट का क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, कहता है ए शॉप ओनर ऑफर्स फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शंस ऑन एन आर्टिकल टू ए कस्टमर। एक कस्टमर को ऑफर कर रहा है डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। इन द फर्स्ट केस सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% एंड देन पे ए सर्विस टैक्स ऑफ 10%। सो यू शुड नो वन थिंग, व्हेन वी गेट डिस्काउंट देन आवर प्राइस विल बी लेस, प्राइस कम हो जाएगा। अगर हमारा इफ वी पे द सर्विस टैक्स, That means we have to pay extra. Then, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये, कि अगर मान लो आपके पास में फर्स्ट जो केस है, हमें मान लेते हैं कि जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल का प्राइस क्या है, 100 rupees है, ठीक है, अवर आर्टिकल प्राइस 100 rupees। सो इन फर्स्ट केस 100 into नाउ डिस्काउंट इज 10%, 90/100, देन 80/100, 80 क्यों, 100 - 20, उसके बाद में उसने सर्विस टैक्स पे किया है 10%, सो इट विल बिकम 110/100। यू विल सॉल्व इट एंड गेट द आंसर, ये आ जाएगा आपके पास 72 × 11 297.2। ओके, दैट मींस कि 100 रुपीस का आर्टिकल हमें 79.2 रुपीस के अंदर पड़ रहा है कस्टमर को। ओके, द सेकंड केस, सेकेंड केस में देखिए आर्टिकल है आपका 100 rupees का, इट गिव्स डिस्काउंट ऑफ 20%, दैट मींस 80/100, देन 10% मींस 90/100, एंड देन सर्विस टैक्स, सो 110/100, अगेन वैल्यू विल बी सेम। इन द थर्ड केस पे सर्विस टैक्स ऑफ 10% फर्स्ट, अब कह रहा है कि 10% का सर्विस टैक्स पहले पे कर दिया, दैट मींस कि जो 100 था इस पे पहले हमने सर्विस टैक्स पे किया, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद में क्या कह रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% एंड 10% का, 20% दैट मींस 80/100 एंड 10% मींस 90/100, अगेन आप इसको सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि तीनों के तीनों केसेस के अंदर हमें आर्टिकल कितने रुपीस का पड़ रहा है, 79.2 रुपीस में ही आ रहा है। सो ऑल द ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डन, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सभी को, तो जो भी डी आंसर करके आए हैं उनका बिल्कुल सही है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास कोडिंग एंड डिकोडिंग पे से है। द लेटर फ्रॉम ए टू जेड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26, GHI इज इक्वल टू 1578। अब देखिए यहाँ पे GHI, अब उसने कहा है कि हाँ जी जी क्या हो गया फिर 7, एच हो गया 8 और ये हो गया 9। अब बट ये क्या कह रहा है, इसको 1578 कह रहा है, अब ये कैसे आएगी वैल्यू, अब इफ आई मल्टीप्लाई बाई 2 देन आई गेट 1578, लॉजिक मिल गया हमें। अब दूसरा देख लेते हैं, वैसे दूसरा भी दे रखा है लॉजिक, बट यही आप अप्लाई कर सकते हो, डी ई एफ 4, 5, 6, ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई बाई 2, सो वी गेट 912। ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3, 1, 2, 3, एंड वी मल्टीप्लाई बाई 2 देन वी गेट 246, दैट मींस डी 246 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो जिनका डी आंसर है, डी आंसर इज करेक्ट।
Now next question is ACPQ. If ACPQ is BCSU, then what will be the equivalent value of MNGI? ठीक है, एनालॉगी में से है, लेटर एनालॉगी का क्वेश्चन है. देखिए क्या है यहाँ पे, अगर हम कोड देखें तो यहाँ पे A से B जा रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, प्लस वन. देन C टू E प्लस टू, P टू S प्लस थ्री, देन Q टू U प्लस फोर. यही हम आगे अप्लाई कर देंगे तो M से क्या हो जाएगा, M से वैल्यू जाएगी आपके पास N, N से हो जाएगा P, G से हो जाएगा J और I से हो जाएगा M. So answer will be N P J M. Okay, clear? So next question देखते, easy था ये. Logical reasoning का part काफी ज्यादा easy आया हुआ था exam के अंदर. अब यहाँ पे देखिए, what is the largest number among the following? This question is again very easy. जिनको भी ये पता है कि माइनस में अगर हमारी पावर आ जाती है तो वैल्यू रिवर्स हो जाती है, उनके लिए कुछ भी नहीं था. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे 1 by 2 raised to power ये है minus 6. So you can write down 2 raised to power, this is no 2, this is equal to 6. That means क्या हो गया, 64. Here 4 raised to power 3, 64. 3 raised to power 4, 81. And 6 raised to power 2, 36. Clear? अब what is the question? What is the largest number? The largest number कौन सा हो गया? 81. So answer will be C. 1 by 3 raised to power minus 4 is the largest number. Okay? Now, what is the next question? 71 to 76 were from English section. Now move to the next question. Next question is on your screen. How many different five letter words with or without meaning, with or without meaning, can be constructed by using all the word D-E-L-H-I, Delhi, so that each word has to start with D and end with I. अब देखिए आपके पास में Delhi दिया हुआ है, but the condition is what, कि जो first है D यहीं पे रहना चाहिए, I हमारा यहीं पे रहना चाहिए. तो अब आपके पास में कितने हैं, थ्री लेटर्स हैं जिनको आप आगे पीछे कर सकते हो. तो इससे कह रहा है कि कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स आप बना सकते हो, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3, दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स आंसर इज 6. सो आंसर आ जाएगा आपके पास में 6 इज द करेक्ट आंसर. परमुटेशन का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ए बॉटल कंटेन 20 लीटर ऑफ लिक्विड ए, 4 लीटर ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट ऑफ इट एंड रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी. हमारे पास में 20 लीटर है लिक्विड ए, लिक्विड है, ठीक है, इसके अंदर से 4 लीटर उसने निकाल दिया और 4 लीटर ही क्या वापस डाल दिया, बी. डन. अब हमारा जो लिक्विड है उसके अंदर से 4 लीटर जो ए था वो तो निकल चुका है, अब बी रह गया 4 लीटर, ठीक है. अब नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि अगेन 4 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ बी. अब जो बचा हुआ मिक्सचर है, जो हमारा नया मिक्सचर है, अगेन वो भी 20 लीटर का ही है क्योंकि उसके अंदर 4 लीटर बी ऐड हो गया है. बट अब हम जब 4 लीटर माइनस कर रहे हैं तो वो बी में से भी तो जा रहा है ना, क्योंकि अब सारा मिक्स हो गया. डन. तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर ए की क्वांटिटी कितनी रहेगी, देखो कैसे करोगे इसको. ये आपका सिंपल सा डायरेक्ट 1 माइनस, टोटल कितना था 20, 20 में से 4 चला गया. अब जितनी बार भी ये प्रोसेस हो रही है उतनी ही पावर आप यहाँ पे लिख दीजिए. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी दो बार हो रहा है ये, तो हम दो बार यहाँ पे लिखेंगे. यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 1 5, तो ये हो गया आपके पास में 4/5. 4/5 raised to power 2, that means 16/25. And b की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो b कितना हो गया, 1 minus this value 16/25, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट है वो b है, तो कितना हो गया 9/25. अब दोनों का हमें पता चल गया है. अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो फाइंड आउट करनी है आपने a और b की. तो ए और बी की रेशियो जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ए हमारे पास कितना है 16/25, बी कितना है 9/25, दिस विल कैंसिल आउट, सो द रेशियो विल बी 16:9. सो आंसर इज 16:9. ओके, क्लियर.
Now move to the next question. Next question is, but this is the next question. Rather, the average score of a batsman after his 50th inning was 46.4. Then after 60th inning, his average score increased by 2.6. But was the average score in the last 10 innings? तो ये कैसे करेंगे हम? इसको आप दो मेथड से कर सकते हो. एक तो बाई फॉर्मूला डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है. दूसरा क्या है कि आप जैसे अपना जो लॉन्ग मेथड है उससे कर सकते हो. अभी मैं आपको लॉन्ग वाले से बता रही हूँ. चलो दोनों से देखते हैं. फर्स्ट देखिए क्या है कि ये कह रहा है कि भाई आपके पास में 50 इनिंग्स की जो है कितनी है, 46.4 है एवरेज, ठीक है. तो कितना हो गया टोटल, कितना हो जाएगा 15 इनिंग्स का, टोटल ऑफ 15 इनिंग्स, टोटल ऑफ 50 इनिंग्स कितना आ गया आपके पास, 50 × 46.4 ये वैल्यू आ गई आपके पास में, ठीक है. दूसरा अब हमारे पास में क्या आ गया, हाँ जी ये हो जाएगा आपके पास में 2320, क्योंकि 5 से जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो इससे अच्छा आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी. डन. अब दूसरा क्या कह रहा है कि हाँ जी आफ्टर 60th इनिंग, मतलब कि 10 इनिंग और एड हो गई है, तो टोटल ऑफ 60 इनिंग्स कितना आ जाएगा आपका, 60 × 60 × अब हमारे पास में कितना हो गया, 46.4 पहले था, 2.6 और ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 49 हो गया, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी आपके पास में 9. क्लियर है. दोनों का डिफरेंस 10 इनिंग्स का टोटल कितना आ जाएगा, 10 इनिंग्स का टोटल दोनों का माइनस कर दोगे, तो माइनस करोगे तो आपके पास में यहाँ पे वैल्यू आ गई, ये हो गया 2 × 6 = 20. अब ये टोटल है 10 इनिंग्स का टोटल है, अब बट हमें क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करनी है. सो एवरेज कितनी होगी, 620/10, सो वैल्यू विल बी 62, आंसर विल बी सी. सिंपल सा क्वेश्चन था. क्या करना है भाई, 60 को 60 की एवरेज के साथ आप मल्टीप्लाई करो टोटल आ जाएगा, 50 को 50 की एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करो टोटल आ जाएगा, दोनों का माइनस करो, 10 इनिंग्स का टोटल आ गया, एवरेज फाइंड आउट करनी है, सो डिवाइड बाय 10. क्लियर, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ द राइस पर केजी, ए पर्सन इज एबल टू परचेज 6 केजी लेस राइस फॉर 1200 रुपीज. अब जो प्राइस है 20% बढ़ गया है, ठीक है. अब बट जो कस्टमर है वो अभी भी सेम ही मनी यूज कर रहा है, मींस जो उसका एक्सपेंडिचर है वो सेम ही है. वो कह रहा है कि पहले भी 1200 खर्च कर रहा था, अभी भी 1200 रुपए ही उसने खर्च कर रहे हैं, बट उतने ही रुपए में अब वो कितना कम लेके आ पा रहा है, 6 kg कम लेके आ पा रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए जो प्राइस है, प्राइस हमारे पास में जो ओल्ड प्राइस था वो था हमारे पास 100, न्यू प्राइस कितना हो गया 125. दैट मींस द रेशियो ऑफ द प्राइस विल बी 4:5. अगर हम बात करें कंजप्शन की तो कंजप्शन ऑपोजिट हो जाएगी, दिस इज 5:4, 4:5 थी तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जब खर्चा बढ़ेगा तो हम कम यूज करना शुरू कर देंगे, तो कितना हो गया 5:4. And this difference is equal to 1 according to us, but in the question the difference is 6 kg. That means this 1 is equal to 6 kg. बराबर है तो 5 किसके इक्वल हो गया, 30 kg के इक्वल हो गया, and this 4 is 24 kg के इक्वल हो गया. ये क्लियर है. अब क्वेश्चन क्या है, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी, तो पर केजी का राइस का प्राइस क्या हो गया, प्राइस पर केजी, और क्या है ओरिजिनल का है उसने, तो ओरिजिनल कितना हो जाएगा, उसने टोटल 1200 रुपए के अंदर 30 किलो लेके आता था पहले, तो अब कितना हो गया ये 40 रुपए पर केजी, कितना आंसर आ जाएगा 40 रुपीज पर केजी. अगर वो कह देता कि न्यू प्राइस तो हम क्या करते, 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 50 रुपीस पर केजी हो जाता, सो आंसर क्या आ गया बी. तो जिन जिन कैंडिडेट्स का बी आंसर है उनका बिल्कुल सही है. तो देखिए हमने क्वांट और रीजनिंग का जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट आप लोगों को फुली सॉल्व करवाए हैं, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि हाँ जी सी सेट के अंदर अपनी पोजिशन क्या है, सी सेट का हम क्वालिफाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे. सो अब हमने मेन की तैयारी करनी है, मेन की तैयारी के लिए